ये बचे हुए राइस हैं, इसके मैं बना रही हूँ ऑमलेट कबाब। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। पुलाव हो या बिरयानी हो, अगर वाइट राइस है तो उसमें प्याज, हरा धनिया, नमक डाल लें। इसमें मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं, ये तो ऑलरेडी स्पाइसी है। आज बना रही हूँ चिकन टिक्का। ये बोनलेस चिकन है 1 kg। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ, नमक, लाल मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, हल्दी है और जीरा पाउडर है। ये लेमन जूस 1 tablespoon। दही है, ये बिरयानी के लिए चिकन में मसाले लगा रही हूँ, दही लगा के पहले ही रख दूंगी। टू टेबल स्पून दही लगाऊंगी। जीरा पाउडर, मिर्च पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 tablespoon, सॉल्ट डाल दिया मैंने, इसको भी मिक्स करके मैं फ्रिज में रख दूंगी। ये गरम मसाला पाउडर और धनिया पाउडर। थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ इसमें। चावल मैंने उबाला है, ये 1 kg राइस को मैंने बॉईल किया,
90% ये पक गया है, मैंने कुकर ऑफ कर दिया है। मैं इसको कवर करके रख दूंगी। ये मैंने 1 कप ऑयल में 4 प्याज ब्राउन की है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया है। मैं थोड़ी सी प्याज इसमें से निकाल लूँगी दोबारा ऊपर से डालने के लिए। ये छोटे 6 टमाटर लिए डालूंगी। ये जो प्याज निकाली थी उसको मैंने थोड़ा सा लाल कर लिया है सेपरेट। अब मैं ये इसमें चिकन डाल रही हूँ जिसमें दही लगा के मैंने रखा था। इसको लो हीट करके 10 मिनट के लिए रख दें ताकि इसका चिकन गल जाए और तेल भी ऊपर आ जाएगा सब। ये चिकन बिल्कुल भुन गया है, मैं इसको बंद कर रही हूँ। यहाँ पे नमक मिर्च थोड़ा टेस्ट कर लें, अगर कम हो तो शामिल कर दें। ये साबुत मिर्ची डाल दें। ये पुदीना लेने आई हूँ मैं। अब ठंडक आ गई है, ये भी सूख रहे हैं। अब इससे चावल थोड़ा मैं कम करके इसी में तह लगाऊंगी बिरयानी की। आज संडे है तो आज मैंने बिरयानी बनाई है, तो मैंने सोचा रिकॉर्डिंग कर लूं। बस बोर होती हूं तो बस रिकॉर्डिंग करने लगती हूं। फ्राइड ओनियन है थोड़ा सा, मेरे बच्चों को पसंद नहीं है, कहते मुँह में आती अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैं बहुत थोड़ा डालती हूँ। हरा धनिया डालेंगे, पुदीना, मैं केवड़ा वाटर डाल रही हूँ। टू टीस्पून डाला है मैंने, और थोड़ा सा गरम मसाला। Thank you.
आप इसको लो हीट पे 5 मिनट के लिए फुल हीट करें और फिर उसके बाद बिल्कुल लो हीट करके तवा हो तो तवे के ऊपर रख दें और ये बन गई है माशाल्लाह।